السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं सारे माशाल्लाह। ये टाउनशिप का इलाका है जहाँ पे जो है वो SOPs जिसे हम कोशिश कर रहे हैं लागू करने की, पाकिस्तान हुकूमत, अब कहा यह जाता है कि अगर SOPs नहीं करेंगे तो हम मस्जिदें बंद कर देंगे ना। तो कहना तो ये चाहिए था कि अगर SOPs नहीं होंगे तो हम बिजनेसेस बंद कर देंगे। ठेले पेले, अब यहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ, जो बेचने वाला है उस किसी का, एक बंदे का भी मास्क नहीं है, एक पर्सन, सिर्फ एक पर्सन लोगों ने मास्क पहने, सिर्फ एक पर्सन। के SOP सिर्फ ये वो कहना मस्जिद के लिए बनाए गए और कहना है मदारिस के लिए बनाए गए। एहतियात लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो कह रही है वो उसको मानना है, मान भी रहे हैं। और ये भी कहा, जब धमकाया जाता है कि अगर नहीं किए तो मस्जिदें बंद कर देंगे। इसको गलत तो नहीं कहते हम, लेकिन अब देख रहे हैं कि तादाद है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं था कि अब हम आज़ाद हो गए हैं सारे बंदे। बहुत नुकसान हो रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें कि SOPs जो है वो बनाए हैं गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए इनकी। ये देखें जी, कोई मास्क नहीं है, यहाँ पे कोई मास्क नहीं है। तो इन जगहों को भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को, ये एक शोभा एक है। ये देखें जी, कोई मास्क नहीं है, यहाँ भी कोई मास्क नहीं है जी। ये हालात चल रहे हैं यहाँ पे। एहतियात करें, कोशिश करें कि गवर्नमेंट से कि यहाँ भी SOPs को लागू करें ताकि हम कोरोना वायरस से बचा जा सके। कहा जाता है कि जहाँ भी लोग इकट्ठे होते हैं वहीं ये जो फैलता है ज़्यादा, हज़ारों की तादाद से जो लोग यहाँ पे इकट्ठे बेचने वाले हैं उनके कोई एहतियाती तदबीर नहीं है। वहाँ पे मस्जिदों में वो कहते हैं मशीन लगाओ जी, हर बंदा वहाँ से गुजरे सैनिटाइज होके गुजरे। ये देखें ये बच्चा बैठा है छोटा, किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं है। तो गुजारिश है के